Good morning, students. I hope you all will be fine. Today we will discuss our second chapter, Book from Apex with the Sun. The topic of our lesson is the friendly mongoose. The hint of this lesson is a farmer, his wife, and their small child lived in a village. Means एक किसान, उसकी वाइफ और उनका छोटा सा बच्चा गांव में रहते थे. There was also a baby mongoose in the house. उनके हाउस में एक छोटा सा बेबी मोंगोज भी था. Who they believed would be their son, companion and friend in future. जिसको वो अपने बच्चे का दोस्त मानते थे और friend in future, भविष्य में भी उसके दोस्त की ही उन्होंने कल्पना की थी. One day the farmer and his wife went out leaving the child alone in with the mongoose. एक दिन फार्मर और उसकी पत्नी अपने बच्चे को मोंगोज के पास अकेला छोड़कर चले गए. Now I will start lesson. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार एक किसान और उसकी पत्नी छोटे से गांव में अपने बच्चे के साथ रहते थे. They loved him very much. बहुत उसे प्यार करते थे. We must have a pet. हमारे पास एक pet होना चाहिए. The farmer said to his wife one day. एक दिन farmer ने अपनी पत्नी से कहा. When our son grows up, जब हमारा बच्चा बड़ा होगा, he will need a companion. उसे एक साथी की जरूरत होगी. This pet will be our son companion. और ये pet हमारे बच्चे का दोस्त होगा. His wife liked the idea. उसकी पत्नी ने इस आइडिया को, इस विचार को पसंद किया. One evening, एक शाम, the farmer brought with him a tiny mongoose. एक छोटा सा mongoose अपने साथ लेकर आया. It is a baby mongoose. ये छोटा सा baby mongoose था. Said his wife, उसकी पत्नी ने कहा. But will soon be fully grown. ये जल्दी ही बड़ा हो जाएगा. He will be a friend to our son. और हमारे बच्चे का दोस्त होगा. Both the baby and the mongoose grew. दोनों एक साथ बड़े हुए. In 5 or 6 months, 5 or 6 महीने के अंदर the mongoose had grown to its full size. ये अपने पूरे body shape में विकसित हो गया. A lovely animal with 2 shining black eyes. प्यारा सा छोटा सा animal, 2 चमकती हुई आँखें and a bushy tail. The farmer's son was still a baby in the cradle. लेकिन farmer का अभी छोटा सा बच्चा झूले में ही था. Sleeping and crying alternately, सोता और चिल्लाता हुआ. One day the farmer wife wanted to go to the market. एक दिन किसान की पत्नी बाजार जाना चाहती थी. She fed the baby, उसने बेबी को फीड किया and rocked him to sleep in his little cradle. और उसे झूले में सुला दिया. Picking up the basket, अपनी टोकरी को उठाते हुए, she said to her husband, उसने अपने हस्बैंड से कहा, I am off to the bazaar, मुझे बाजार जाना है. The baby is sleeping, बच्चा सो रहा है. Keep an eyes on him, उसके ऊपर अपनी दृष्टि रखना. Frankly, I do not like to leave the child along with the mongoose. ये बात स्पष्ट है कि मैं अपने बच्चे को उस छोटे से mongoose के पास अकेला नहीं छोड़ सकती. You need not to be afraid. तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, said the farmer. फार्मर ने कहा, The mongoose is a friendly animal. ये एक दोस्त मित्रतापूर्ण animal है. It is as sweet as our baby. उतना ही प्यारा है जितना हमारा बेबी. And they are the best friend. और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, you know, तुम जानती हो. द वाइफ वेंट अवे, पत्नी चली गई. एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, और फार्मर को घर में कोई भी काम नहीं था. डिसाइडेड टू गो आउट, उसने बाहर जाने का निश्चय किया. एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे, उसने सोचा कि मैं अपने फील्ड्स में जाकर एक नज़र लगाया जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी. ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक, मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ रास्ते पर मिला. एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और उसे वापस लौटने की थोड़ी भी जल्दी नहीं थी. द फार्मर वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग ए हैवी बास्केट, किसान की पत्नी एक फुल बास्केट, भरी हुई बास्केट के साथ वापस घर लौटती है. शी फाइंड द मोंगोज एट द एंट्रेंस ऑफ हिज हाउस, वो मोंगोज को अपने घर के दरवाजे पर पाती है. विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पाव्स, जिसके मुँह पर और पाव पंजों पर ब्लड है. शी जम्प्ड इनटू द कंक्लूजन, वो जल्दी से इस निष्कर्ष पर पहुंचती है दैट इट वाज हर सन ब्लड, कि ये उसके बच्चे का सन ब्लड है. एंड द मोंगोज वाज द गिल्टी वन, और मोंगोज उसके लिए दोषी है. द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद ए बास्केट ऑफ ग्रोसरी, अपनी शॉपिंग खत्म करने के बाद फुल ऑफ बास्केट के साथ अपनी ग्रोसरी का सामान लेकर घर आती है. शी सॉ द मोंगोज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर,
वो मंगूस को देखती है जैसे वो उसी की इंतजार कर रहा हो। उन सिंह हर उसे देख कर ही रैन टू वेलकम हर, वो उसका स्वागत करने के लिए दौड़ता है एज वाज कस्टमर, जैसा कि वो अक्सर करता था। द फार्मर वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस, फार्मर की पत्नी एक नज़र उस पर डालती है एंड स्क्रीम चिल्लाती है, ब्लड खून शी क्राइड, फिर चिल्लाती है। द फेस एंड पाव ऑफ द मंगूस वर स्मीयर्ड विद ब्लड, फेस और पाव जो मंगूस के हैं वो खून से भरे हुए थे। यू वीक एनिमल, अरे दुष्ट एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, तूने मेरे बच्चे को मार दिया। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, बहुत गंभीरता से चिल्लाती है। शी वॉज ब्लाइंड विद रेन, गुस्से से अंधी हो चुकी थी। एंड विद ऑल हिज स्ट्रेंथ, और अपनी पूरी ताकत के साथ ब्रोट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी, वो जो ग्रोसरी की बास्केट लेकर आई थी उसके ऊपर थ्रो कर देती है, डाल देती है। ऑन द ब्लड स्ट्रीम मंगूस, उस छोटे से खून से भरे हुए मंगूस के ऊपर। एंड रैन इनसाइड इनटू द चाइल्ड क्रेडल, और अपने बच्चे के झूले के पास दौड़ कर जाती है। द बेबी वाज फास्ट एस्लीप, बच्चा आराम से सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले ए ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन फर्श पर वो क्या देखती है, एक काले रंग का सांप ब्लीडिंग खून से भरा हुआ। इन ए फ्लैश, एक नज़र में शी रियलाइज, वो महसूस करती है व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ था। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस, वो बाहर मंगूस को देखने के लिए दौड़ती है। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मार दिया। व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या कर दिया। शी क्राइड टचिंग द मंगूस, और उसको मंगूस को टच करते हुए चिल्लाती है। वो ले डेड एंड स्टिल, जो मरा पड़ा है। एंड अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, जो उसकी इस आह से अनअवेयर है, जागरूक नहीं है। द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी। वो हैड एक्टेड हेस्टली, जिसने जल्दी में ये काम किया। एंड रैशली, बड़ी ही दुर्बलता से स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूस, वो उस मरे हुए मंगूस की तरफ देख रही है। देन शी हियर्ड द बेबीज क्राइंग, तब वो अपने बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ सुनती है। वीपिंग हर टीयर्स, अपने आंसुओं को पोंछते हुए शी वेंट इनटू फीडिंग, वो उसे फीड करने चली जाती है। दिस लेसन टेकन फ्रॉम ए स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र, ये लेसन एक पंचतंत्र नाम की कहानी में से लिया गया है। स्टूडेंट्स रीड दिस लेसन वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस वंस अगेन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।